हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस लूअर के बारे में। ये है फ्रॉग, ये रबर का बना होता है। इसको हम फ्रेश वाटर फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये जो मेंढक होता है, स्वीट वाटर में आपने देखा होगा पानी के किनारे पे मेंढक कुदी मारते रहते हैं, एंड कभी कभी आप ध्यान देंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई मछली अटैक करती है। सो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके लोगों ने इस रबर के मेंढक को बनाया हुआ है। इसमें काफ़ी वैरायटी आती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर खरीदना हो तो खरीद भी सकते हैं। सो इसके बारे में आज बात करेंगे गाइस, किसका क्या फंक्शन होता है, इसमें कौन कौन सी मछलियाँ हम टारगेट कर सकते हैं, एंड इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो उसके ऊपर ही हम बात करेंगे, आपको डेमो भी दिखाएंगे कैसे आप इसको चलाएं, सो दैट आपको ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकें आप इस पर। मैंने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया हुआ है, सो मेरा ऑलरेडी आपने वीडियो देखा होगा इसके ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स डू दी टेस्टिंग ऑफ दिस फ्रॉग, एंड आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो करें, एंड आपके कुछ डाउट हो तो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे पास ये फ्रॉग का कलेक्शन है। अभी यहाँ पे ये जो नॉर्मल फ्रॉग है जो आपको इंडियन मार्केट में मिल जाता है, इजीली अवेलेबल एंड वेरी चीप इट इज़, 150 रुपये में आपको मिल जाएगा ये सस्ता वाला फ्रॉग मार्केट में। ये बाकी ये सब फ्रॉग्स है, दीज आर ब्रांडेड फ्रॉग्स। देखिए इस तरह से स्पिनर के ब्लेड के साथ में भी आता है ये, इस तरह से। ये बुशमैन फ्रॉग है, ब्लैक कलर, बहुत ही अच्छा कलर है गाइज ये। इसके मल्टीपल कलर आते हैं, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, इस तरह के कलर भी आते हैं। देखिए आप, ये सबको आप यूज़ कर सकते हो इजीली। ये सब टेस्टेड फ्रॉग्स है, इनके ऊपर स्नेकहेड का काफ़ी अच्छा गेम होता है गाइज। कभी कभी जो मल्ली फिश है, वलग और टू पढ़िन जिसको बोलते हैं, कभी कभी वो भी अटैक करता है इसके ऊपर, बट बहुत ही रेयरली होता है। ये एक सरफेस लूअर है, ये ऊपर ही ऊपर चलता है खाली। देखिए ये इस तरह का है, ये भी काफ़ी काम का है। सो मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से इस तरह के लूअर को यूज़ करना चाहिए हमें, जिससे हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा इस, एंड क्या एक्शन हमें इस पर देना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, फ्रॉग को यूज़ करते समय आप इस तरह का स्नैप लगा सकते हैं एक, एंड उसके ऊपर मेन लाइन बांध के आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस लूअर है, ये टॉप वाटर पे ही चलता है। मैंने नोटिस किया कि काफ़ी जगहों पे हमने अगर टेल इसका कट कर देते हो यहाँ से तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है ये, ज़्यादा एक्शन मिलता है इसको, ज़्यादा अटैक होता है इसके ऊपर। मैंने कट नहीं किया है क्योंकि काफ़ी फ्रॉग है मेरे पास, सो मुझे लगेगा तो मैं भी कट करूँगा, अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कट करने की। सो देखते हैं किस तरह से इस तरह के फ्रॉग जो लूअर है इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं फॉर स्नेकहेड फिशिंग। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि फ्रॉग से फिशिंग करते समय इस चीज़ का हमें ध्यान देना होता है कि जो फिश होती है वो किस जगह पे हो सकती है, अगर वाटर बॉडी इस तरह से बड़ा है तो। सो उसके लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये सब घास है, जो ये घास के नीचे स्नेकहेड मोस्टली बैठते हैं। इवन ओपन में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने जो नोटिस किया हुआ है कि स्नेकहेड हमेशा हमारा फ्रॉग जब आने लगता है तो स्नेकहेड नीचे किनारे की तरफ से निकल के ही जाके उस पर अटैक करता है। सो इस तरह से हम इसको कास्टिंग करके दिखाते हैं आपको किस तरह से आपको इसको चलाना है। आप ओपन एरिया में जब कास्ट करते हैं इसको, कभी कभी ओपन में भी जो बॉटम में बैठे होते हैं स्नेकहेड वो भी आके अटैक करते हैं। आई होप आपको दिखता होगा हमारा फ्रॉग, अभी इस तरह से उसको लाना है मीडियम स्पीड में, ज़्यादा फास्ट भी नहीं लाना, ज़्यादा स्लो भी नहीं लाना इसको। तो इस एक्शन से आना चाहिए फ्रॉग हमारा। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा जो असली फ्रॉग होते हैं, रियल फ्रॉग होते हैं, वो पानी में से कूद के जाते हैं, मतलब किनारे पे रहते हैं और कूद के पानी में जाते हैं और फोर्थ स्पीड में वो ऊपर ऊपर तैरते हुए जाते हैं पानी के ऊपर ऊपर। सो उनको ही देखकर स्नेकहेड उनको अटैक करता है। सो उसी को मिमिक करने का, उसी का कॉपी करने का लोग ट्राई करते हैं एंग्लर्स, ताकि स्नेकहेड को पकड़ सके। सो अभी जो सेकंड इसमें ट्रिक है वो है गाइस कि जब आप
किनारे पे इस तरह के घास हो पानी के ऊपर, तो उसके ऊपर हमें किस तरह से कास्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे ही बैठे होते हैं स्नेकहेड, तो हमें इसको कास्ट करना है। दो तीन तरीके इसमें, जैसे हमने बाहर की तरफ कास्ट किया, अभी ओपन स्पेस में हमने कास्ट किया, तो उसको हम नॉर्मल स्पीड में लेके आएंगे इस तरह से। फ्रॉग आते रहेगा, इसके बीच में आपको अटैक मिल गया तो अच्छी बात है, अगर अटैक नहीं मिलता है तो आपने नॉर्मली देखा होगा जो मेंढक होता है वो नज़दीक घास के नज़दीक में आने के बाद रुक जाता है, तो इस तरह से आपको पॉज देना है, फिर थोड़ा चलाना है, पॉज देना है, फिर घास के ऊपर चढ़ाना है उसको, जिस तरह से फ्रॉग आते हैं रियल में उस तरह से उसको लेके आना है, फिर किनारे पे आके दो तीन ट्विच देना है और उसको लेके आना स्लो, इस तरह से आपको एक्शन देना है। मतलब ओपन स्पेस में कास्ट करके उसको आपको लेके आना है मीडियम स्पीड में, और जैसे ही वो नज़दीक आ जाता है घास के आसपास उसको थोड़ा स्लो कर देना है या तो रोक देना है उसको। देखिए इस तरह से नॉर्मली आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो मीठे पानी में मेंढक भी इसी तरह से चलता है, तो अगर नीचे स्नेकेड होगा तो वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देगा और आपका काम हो जाएगा। एंड इस तरह के किनारे जो होते हैं, किनारों के ऊपर भी आपको किस तरह से कास्ट करना है, अगर आपको किनारे में बैठे हुए स्नेकेड को टारगेट करना है तो आपको इस तरह से फ्रॉग को लेना है, उसको किनारे पे कास्ट करना है घास में, और घास में से उसको ट्विच करते हुए लाना है उसको पानी में, तो उसको जो मछली होती है उसको लगता है कोई मेंढक उस अभी जंप मारा है किनारे पे से पानी में, तो तुरंत ही अगर रहेगी उसके आसपास तो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देगी वो विद इन फ्यू सेकेंड। दूसरा हमारा फ्रॉग देखिए थोड़ा अलग तरीके का है, इसमें इस तरह का ब्लेड लगा हुआ है जो घूमता है पानी में, और ये ट्रबल हुक का सेटअप नहीं है, ये डबल हुक का सेटअप इसमें है। सो इसको चला के देखते हैं किस तरह से इसका एक्शन आता है गाइस। देखिए इस तरह से ब्लेड मूव घूमता है, आप देख सकते हैं ऊपर किस तरह से वेव्स बना रहा है वो ब्लेड, इस तरह से उसका ब्लेड घूमते हुए आता है जैसे स्पिनर पे घूमता है, ये भी बहुत अच्छा एक्शन देता है, इसमें भी काफ़ी कैचेस होते हैं। सो इस तरह के फ्रॉग भी आप परचेस करें, थोड़े महंगे होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। सो ये तरीका है गाइस फ्रॉग को चलाने का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो में। सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आपको जो डेमो हम दे सकते थे हमारे नॉलेज के हिसाब से हमने आपको दिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड नीचे जो दो वीडियो आ रहे हैं उनको भी आप चेकआउट करें, उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से एक ट्यूटोरियल का वीडियो है जिसमें हमने 30 के ऊपर वीडियोस बना के रखे हुए हैं, सो आप उसका भी एंजॉय कर सकते हो, उस वीडियोस को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी।